भगवान श्री वेदव्यास जी ने द्वापर के अंतिम चरण में वेद के कई भाग करके और इतिहास पुराणों के द्वारा वेदों का भाव उपबृंहण करके खोल खोल करके बताते हुए और जगत का बड़ा भारी उपकार किए, वही मानो इस भूतल पर पुनः बाबा माधवदास जी के रूप में आकर के प्रकट हुए। कल कारण बताया गया था, कुआं में गिरे हुए बर्तन को निकालने में, नदी के धारा में पड़े हुए बच्चे को जो बाहर जा रहा है किनारे लाने में, मेले बाजार में खोए हुए बच्चों को माता पिता से मिलने मिलाने में जिस तरह की प्रसन्नता होती है, उसी तरह की प्रसन्नता भवाटवी में, संसार के जंगल में जो जीव भटक गए हैं, अपने प्रभु को भूल गए हैं, अपना घर भूल गए हैं, अपने आप को भी भूल गए हैं, ऐसे जीवों को उनका परिचय बताते हुए और उनके प्रभु का संबंध बताते हुए प्रभु तक पहुंचने का मार्ग निर्देशन करने वाले आचार्यों की आवश्यकता होती है। कभी तो अपने अंशभूत भटकते हुए जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए प्रभु स्वयं भी आते हैं और कभी अपने प्यारे प्यारे पार्षदों को भी भेजते हैं। इन्हीं में से इसी श्रृंखला की एक कड़ी हमारे बाबा श्री माधवदास जी हैं। कल बताया गया टीका के अंतर्गत माधवदास द्विज निज तिया तन त्याग कियो लियो इन जान जग ऐसो ही व्यवहार है। इसका भाव हम लोग एक गीत के माध्यम से कल स्मरण कर रहे थे। कलि में परम हितैषी सुहृद संतवर बाबा माधव दास, कलि में परम हितैषी सुहृद संतवर बाबा माधव दास। धन्य भई कन्नौज नगरिया, धन्य भई कन्नौज नगरिया, कान कुब्ज द्विज कुल अवतरिया, कान कुब्ज द्विज कुल अवतरिया, प्रतिष्ठित गिने चुने विद्वान, प्रतिष्ठित गिने चुने चुने विद्वान, सुबोध यथारथ वेद पुराण, सुबोध यथारथ वेद पुराण, क्षेत्र में प्राप्त बहुत सम्मान, क्षेत्र में प्राप्त बहुत सम्मान। इस कलिकाल में परम हितैषी किसको कहते हैं? हितैषी कहते हैं हित चाहे, जो हित करना चाहे, हित मने भला और हित मने प्रेम, उसको हितैषी कहते हैं। किसी भूखे भूख से तड़पते हुए व्यक्ति को भोजन करा दे तो वह कहता है आप मेरे बड़े हितैषी, किसी प्यास से छटपटाते हुए व्यक्ति को जल पिला दे तो कहते हैं कि आपने मेरा बड़ा हित किया, आप मेरे बड़े हितैषी हैं। किसी को संकटग्रस्त स्थिति में उसके अभाव की वस्तु प्राप्त करा दे तो उसको हितैषी कहा जाता है। रोगी को औषधि चिकित्सा देकर के उसको रोग मुक्त कर देना, ये सब शरीर से संबंधित हित होता है। लेकिन जिस व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई है, परसों इसे फांसी पर लटका दिया जाएगा,
उसको हम कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोजन, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र, बढ़िया से बढ़िया पेय पदार्थ और बढ़िया से बढ़िया आभूषण इत्यादि से जड़ दें तो क्या उसका हित हो जाएगा? इसमें उसको तो फांसी का तख्ता दिखाई पड़ रहा है। इस समय उसका सबसे बड़ा हित यही है कि जैसे हो भैया मुझे फांसी से बचा। इससे भी ज्यादा हित, अरे ये तो एक बार की फांसी रही भैया, इस भारतवर्ष में प्राप्त मानव शरीर की बड़ाई की गई है, इससे वह प्राप्त किया जाता है जो और किसी शरीर से प्राप्त होना कठिन है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विटभुजामजे तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्तुम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। श्री हरे नमः। प्राप्ता नृजातिम त्वे ये जंतवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संप्रदाम नवैयतेरन अपनर्भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बंधनम। लख 84 भ्रमण करी पौ पे अटकी आए, अब के पासा ना परे हो तो फिर 84 जाए। एक बार की फांसी से कोई बचा भी ले, कुछ दिन और जीवित रह ले और फिर कुकर्म करे तो उसका क्या बहुत बड़ा हित हो गया? असली हित जिसको परम हित कहा जा सकता है वो ये है कि इस बार मानव शरीर मिला है तो इसका इतना बढ़िया उपयोग कर लिया जाए, करा लिया जाए कि अब बार बार 84 लाख योनि में जन्मने मरने वाली झंझट न रह जाए। प्रभु के चरणों में पहुंचा करके और इस जीव का, इस आत्मा का जो सहज उत्तराधिकार है उससे ये अपने को वंचित कर चुका है। ये राजकुमार होकर के भी भिखमंगा बना फिर रहा है, दरिद्र बना फिर रहा है और इसको अपने उस खोए हुए उत्तराधिकार अर्थात प्रभु के चरणों में, प्रभु की गोद में बैठा दिया जाए, इससे बढ़कर के और दूसरा कोई हित संतों ने और सत्शास्त्रों ने नहीं विचारा है, है ही नहीं। परम हित इसी में है कि प्रभु बिछुड़े हुए प्रभु के चरणों में इसे पहुंचा दिया जाए। तो हमारे बाबा श्री माधवदास जी महाराज उन्हीं परम हितैषियों में से हैं जिनसे इनका पाला पड़ा, उनको इन्होंने इस लायक बनाया कि वे प्रभु के चरणों में पहुंच करके प्रभु का प्रेम, प्रभु की सेवा और प्रभु की प्रसन्नता का लाभ कर सकें। ये इस कलयुग में सबके वश की बात नहीं है, कलिकाल में प्रकट होकर के भी कलि केवल मलमूल मलिना पाप पयो निध जनमन मीना। कलयुग में जो लोग पैदा होते हैं उनमें अधिकांश लोगों का मन जैसे मछली पानी से अलग होना नहीं चाहती है, ऐसे कलिकाल में पैदा हुए लोगों का मन पाप रूपी पयोधि से अलग होना नहीं चाहता, छटपटाने लग जाता, हाय मुझे पाप से अलग क्यों किया जा रहा है। तो ऐसे ही कलिकाल में लोगों का मन स्वाभाविक पाप परायण सब नर नारी, और ऐसे लोगों के बीच में कोई इस तरह के महान भाव आकर के प्रकट हो जाएं जो परम हितैषी हो। परम हितैषी के बाद सुहृद शब्द दिया गया है। सुहृद मने गुरुदेव कहा करते थे उपकारी, जो उपकार करे, और केवल उपकार करे तो सुहृद नहीं, उपकार करने में अपने पराये का भेद रखता हो कि ये अपने संपर्की हैं इसलिए इनका उपकार कर दो और ये पता नहीं कहाँ का है छोड़ो इसको, तो तब सुहृद पदवी नहीं हो।
अपने पराये का भेद छोड़ करके जो निष्पक्ष भाव से सबका उपकार करना जानता हो और करता हो उसका नाम है सुहृद। ये सुहृद पने की दो विशेषताएं, और तीसरी एक और विशेषता गुरुजी व्याख्या में बताया करते थे कि अपने पराये का भेद छोड़ करके निष्पक्ष भाव से जो सबका उपकार करे और उपकार करने के बाद प्रतिफल के रूप में उससे कुछ आशा न रखे। अगर कोई ये कहे कि साहब हमने आपका इतना बड़ा उपकार किया था और आप हमारा इतना छोटा सा काम नहीं कर देंगे, नहीं कर दीजिएगा, आपका कर्तव्य बनता है। आज भैया ने श्री वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत सूत्र सुक्ति सुंदर उक्ति बताई थी, उनमें एक यह भी था, उपकारी जिसने हमारा उपकार किया है, जिसके प्रति जिसके द्वारा हम उपकृत हुए हैं उसके प्रति हम भी इसकी कुछ सेवा कर दें, हम भी इसका कुछ उपकार कर दें, ऐसी भावना रख करके और उनका उपकार करना चाहिए। लेकिन ये संत ऐसे होते हैं कि बिना स्वार्थ के उपकार करते हैं, एक तो निष्पक्ष उपकार करें और दूसरे निस्वार्थ उपकार करें, बदले में कुछ चाहते नहीं हो, तब उनकी संज्ञा होती है सुहृद। यही स्थिति बाबा श्री माधवदास जी महाराज की है। कलि में परम हितैषी सुहृद संतवर बाबा माधवदास। संतों में भी ये संतों की सहज विशेषता होती है, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्त स्वजन बान्धवाः मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विधातापास्तनैतां मद्गच्छेत् साध्वी। भगवान श्री कपिल देव जी अपनी माता देवहूति से कहते हैं, हे माता जी, हे साध्वी, जिनमें ये लक्षण होते हैं वे साधु हैं, आप भी साधु हैं, इसलिए साध्वी कह रहे हैं। संगस्ते स्वत्ते प्रार्थ्य संग दोष हरा ही। अगर भगवान सामने आकर खड़े हो जाए और पूछे कि क्या चाहते हो, क्या दूं, तो उनसे और कुछ नहीं मांग करके यही मांगना चाहिए, संगस्ते स्वस्ते प्रार्थ्य, आपके द्वारा यही प्रार्थना की जानी चाहिए भगवान से कि ऐसे लक्षणों से संपन्न जो साधु पुरुष हैं उनका उनका संग मुझको मिले। संग मने साथ नहीं, संग मने साथ हिंदी भाषा में होता होगा, संस्कृत में संग कहते हैं मानसिक लगाव को, आसक्ति को, जिसके बिना बेचैनी हो जाए। लोग कहते हैं कि आजकल इसको जुआड़ी का संग हो गया। संग मने साथ मात्र नहीं, आसक्ति, मन का वो प्रगाढ़ लगाओ कि दो क्षण का भी योग हो तो उसके बिना बेचैनी हो जाए, इसका नाम है संग। संगस्ते स्वत्ते प्रार्थ्य, ऐसे ही संतवर श्री बाबा माधवदास जी हैं। इनके जन्म से कन्नौज, आजकल कन्नौज कहा जाता है, प्राचीन नाम है उस नगरी का कान्यकुब्ज द्विज कश्चित कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज नगरी में इनका जन्म हुआ है, ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ है, और अपने क्षेत्र के गिने चुने विद्वानों में भी ये परम सम्मानित महानुभाव रहे। कहीं विद्वत्ता की विद्वत्तापूर्ण गोष्ठी में, विद्वानों की गोष्ठी में कोई बात विवाद के लिए आ जाता था कि भाई इसका क्या उत्तर होना चाहिए, तो लोग कहते कि अजी और जगह कहाँ टटोलते फिरोगे, श्री माधवदास जी से पूछो, माधवदास जी जो कह देंगे वो प्रमाणित होगा, अनर्गल बोलते ही नहीं है,
कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी। प्रारब्धवश विवाह हो गया था और उस इनकी पत्नी से एक पुत्र का भी जन्म हो चुका था। घर में आप थे, आपकी पत्नी थी, आपका वह बच्चा था और आपकी माता जी, आपको जन्म देने वाली माता जी भी थी। यही छोटा सा परिवार था, मन संसार में लगता नहीं था। जिसका मन संसार में लगता है उनको अभी बहुत दिनों तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम में पचना है, लेकिन जिसका मन संसार से उपरत हो गया तो समझिए कि अब छूटने वाला मार्ग का पहला सोपान मिल गया, पहली सीढ़ी पर पांव पहुंच गया। इनका मन संसार से उपरत रहा, बड़ा ही सात्विक आहार व्यवहार विचार सात्विक, उपरत मन संसार से सात्विक सरल विचार प्रभु ने पठे जगत में करन जीव उद्धार। जीवों का उद्धार करो, जो डूब रहे हैं उन्हें किनारे पहुंचाओ। ऐसा लगता था, उस क्षेत्र के लोग महसूस करते थे कि आए जन तन धार कृष्ण द्वै पायन वेद व्यास, आए जन तन धार कृष्ण द्वै पायन वेद व्यास, कलि में परमी तैसी संतुवर बाबा माधव दास, कलि में परम हित ऐसी सुहृद संतवर बाबा माधव दास। मन में बार बार ये आती थी कि संसार से उपरत होकर के और जगदीश का भजन किया जाए। घर में पत्नी पुत्र अरु माता, घर में पत्नी पुत्र अरु माता, नश्वर मानी जगत को नाता, नश्वर मानी जगत को नाता, करत पति पत्नी नित्य विचार, करत पति पत्नी नित्य विचार, जगत में राम नाम है सार, जगत में राम नाम है सार, भजन हो जगत प्रपंच विसार, भजन हो जगत प्रपंच विसार। संसार में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करना पड़ता है जबरन, खास करके श्री नारद बाबा कहते हैं भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि, पेट है भोजन करना ही होगा, जब तक शरीर बरकरार है विद्यमान है तब तक भोजनादि व्यापार, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, छाया छप्पर चाहिए, परस्पर का सहयोग चाहिए, इन सब बातों में। लेकिन कितना चाहिए? युक्ताहार विहार, युक्त माने जितना जरूरी है, कम से कम में जितने में जीवन गुजारा हो जाए उतना ही, उससे ज्यादा के लिए प्रयत्न मत करो। श्री कबीर बाबा कहते हैं हरि को भजन पेट को धंधा, और करे सो मूर्ख अंधा। शरीर का निर्वाह जितने में हो जाए उतना ही करो, लेकिन बहुत लोग व्यवहार को इतना बढ़ा लेते हैं कि परमार्थ धरा रह जाता है। मियां नजीर अकबर आबादी, बहुत बड़े भजनानंदी सदगृहस्थ संत महापुरुष हुए हैं,
तो उन्होंने अपने को धिक्कारा है, जिस काम को दुनिया में तू आया था ए नजीर, अरे नजीर तुमको दुनिया में जिस काम के लिए भेजा गया था, जिस काम को दुनिया में तू आया था ए नजीर, खाना खराब तुझसे वही काम रह गया, जिस काम के लिए आए थे वही काम रह गया, इतना भी नहीं कर सके। और जो 84 लाख गनियों में तुम करते आए, खाते पीते सोते और संसार बढ़ाते, यही करते रह गए, इस जन्म में भी तुम्हारा जीवन निरर्थक गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। संसारी संबंध जो है यह भी अपनी जगह पर होंगे महत्व के, लेकिन स्थायी रूप से इन्हीं में हम रम जाएं ये बात ठीक नहीं है। संसार का संबंध व्यवहार कहलाता है, संबंध आवश्यकताएं और उसके लिए प्रयास और उपलब्धि, ये व्यवहार है। व्यवहार जितना जरूरी है उतना ही करो और बाकी परमार्थ, सखा परम परमार्थ एहु मन क्रम वचन राम पद नेह, प्रभु के चरणारविंद के प्रति नेह, यही हमारा चरम लक्ष्य होना चाहिए। मन में इच्छा थी लेकिन विचार करते कि उतना तो अभी नहीं हो पाएगा। एक श्लोक में कहा गया है, शतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन करो, 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 100 काम छोड़ करके भोजन करो, भोजन के बिना तो शरीर तुम्हारा चलेगा नहीं। तो मैंने स्नान छोड़ करके, स्नान किए बिना भोजन कर ले, बोले ना सहस्रम स्नान माचरे, 1000 काम छोड़कर पहले स्नान करो, तो उसमें भोजन किनारे हो जाएगा, प्राथमिकता स्नान की हो जाएगी। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 स्नानमाचरे, और लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके किसी गरजमंद दीन दुखी अभावग्रस्त प्राणी को मदद सहयोग दो, लक्षम विहाय दातव्यम। और आगे कहते हैं, कोई कोई कहते हैं कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, 1,00,000 काम छोड़ करके भगवान का भजन करो, और कोई कोई कहते हैं कि कोटि में ही नहीं सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे। मानस का भी यही सिद्धांत है, श्रुति सिद्धांत उर्गारी, श्रुति सिद्धांत उर्गारी। राम बलिया सब काम बिहारी, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, सब छोड़ करके भगवान का भजन करो। वहां तो सर्वम त्यक्त्वा है और यहाँ तो सब काज बिसारी, त्यक्त्वा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। त्याग तो कर दिया लेकिन मन से याद आती रहती है कि ऐसा हो जाता, ऐसा हो गया होता, ये करके आए होते। तो कहते हैं कि बिसारी, मन से भी याद मत करो, जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया। और छोड़ना कैसा हुआ, श्री भरत जी के बारे में कहा गया है, राजर्षि भरत जी, भारत जैसे देवताओं को भी ललचा देने वाला हृदय स्पृश राज्य को जहू त्याग दिया। कब त्यागा, लाचारी में, जब छूटने की स्थिति हो गई तब बोले नहीं, युवावस्था में जहू युव, कैसे त्यागा, बोले मलबत
जैसे शौचालय में जाकर के, खेत में, जंगल में जाकर के मल त्याग करके चले आते हैं, फिर लौट के देखते नहीं कि उसका क्या हाल है जिसको त्यागा था। ऐसे इसलिए बोले उत्तम श्लोक लाल साहब, उत्तम श्लोक जो भगवान है उनको प्राप्त करने की लालसा से। तो सोचते अवश्य थे श्री बाबा माधवदास जी, उस समय भी गृहस्थाश्रमी थे, उस समय अभी बाबा जी नहीं बने थे, लेकिन तो भी सोचते थे। ये सोचना हमारी पुरानी परंपरा है। आदि सम्राट श्री स्वयंभू मनु जी के बारे में भी वर्णन आया है, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनु। सोचते रहते थे ऐसे ही बाबा माधवदास जी सोचते थे। भजन थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है सवेरे शाम, अथवा जब भी मौका मिल जाता है थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे वाली स्थिति अभी नहीं आ पा रही है। सर्वम त्यक्त्वा वाली स्थिति अभी नहीं आ रही, सब त्याग करके भगवान का भजन करो। अपने से नहीं होता तो प्रभु से प्रार्थना करो, अब प्रभु कृपा करो हे भांति, अब प्रभु कृपा करो हे भांति। सब तजी भजन करो दिन रात, सब तजी भजन करो दिन रात। सब त्याग करके भगवान का भजन करें, ऐसी भावना सबकी नहीं होती है, किसी किसी के मन में होती है। इस तरह के महापुरुष होते हैं, मन में ये थी लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बोले पुत्र ऐ छोटू अभी माता विद्यमान है, पुत्र है छोटो अभी माता विद्यमान है, धीर धारी कछु दिन देह में गुजारिए, धीर धारी कछु दिन देह में गुजारिए, गए कछु काल होवे बालक सुयोग्य तब, गए कछु काल होवे बालक सुयोग्य तब, सौंपी घर बार पुण्य तीर्थ ने पधारिए, सौंपी घर बार पुण्य तीर्थ में पधारिए। यही न सफलता है मानव जन्म की, सफलता है मानव जन्म की, बिहार जग वासना विवेक उर्धारिए, बिहार जग वासना विवेक उर्धारिए, दीक्षा शिक्षा पाए के भजन सत्संग कर, इच्छा से चपाए गे भजन सत्संग करे, पाए प्रभु प्रेम भव बंधन निवारिए, पाए प्रभु प्रेम भव बंधन निवारिए। बाबा माधवदास जी अकेले ऐसा नहीं सोचते थे, पत्नी भी अनुकूला थी, वो भी सोचती थी कि हम लोग दोनों भजन में लग जाएं। कैसे? जैसे श्री मनु जी महाराज हम लोगों को आदर्श दे गए, बर बस राज सुतई तब दीना, बर बस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गमन बन की ना, नारी समेत गमन बन की ना, पंथ जात सोही मत दीरा, पंथ जात सोही मत
हरिया। मनु जी ने बरबस पुत्र को राज्य दिया, पुत्र योग्य हो चुके, एक उत्तानपाद है, दूसरे प्रियव्रत है, जो रात को भी दिन कर देने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रियव्रत कृतम कर्म को अनुकूल याद विनेश्वरम यो नैम निर करो छायाम घनम सप्त बार देन। ऐसे पुत्र के सुयोग हो जाने के बाद वो काहे को घर में बैठे रहे पड़े रहे। बरबस बेटा संभालो, मैं तो चला। पिताजी यही भजन करिए। अरे नहीं नहीं बेटा, अलग होकर के परिपक्व हो जाने के बाद कोई भी फल वृक्ष की डाली में चिपका रहता है क्या? परिपक्व हो जाने के बाद उसको टपकना चाहिए, और परिपक्व हो जाने के बाद कोई भी ईंट चिमनी और भट्टी में पड़ी रह जाती है क्या? नहीं, उसको जहां लगने के लिए ये आकृति मिली है वहां लगने में अपना अपनी सफलता मान। तो अब तो हम जाएंगे। पिताजी हमारी इच्छा है कि आप यहीं रहिए, हम आपकी सेवा भी करते रहेंगे और भजन की पूरी सुविधा प्रदान करेंगे। ठीक है तुम्हारी तरफ से सोचना, लेकिन हमारी तरफ से भी सोचना, ये शास्त्र सम्मत बात है। इसलिए बरबस